नमस्कार दोस्तों, कमलाज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा रेसिपी। दोस्तों अंडा रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और स्वास्थ्य के लिए भी अंडे बहुत ही लाभदायक होते हैं, खास कर सर्दियों में अक्सर आप अंडे खाते होंगे। तो आज मैं आपको बिल्कुल फटाफट तरीके से जो है अंडा करी रेसिपी बनाने की विधि बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को बीच में मिस ना करें, पूरा देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 5 अंडे लिए हैं और इनको बिल्कुल अच्छे से जो है बॉईल कर हमने छील लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हमने ये देखिए 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, उन्हें हमने बारीक काट लिया है। 1 हरी मिर्ची, इसे भी हमने काट लिया है बारीक। ये 15 से 20 कलियां लहसुन की, जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है। ये नमक है, स्वाद अनुसार डालेंगे। और ये मिर्ची पाउडर 1 छोटी चम्मच, ये हल्दी पाउडर ये आधी छोटी चम्मच लिया हमने, और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गैस को हमने स्टार्ट कर लिया है और इसके ऊपर जो है कढ़ाई भी रख दी है, और कढ़ाई को जो है 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है हमें, उसके बाद इसके अंदर तेल डालना है। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। ये देखिए तेल हमने डाल दिया है, और तेल को जो है 1.5 से 2 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से हमें गर्म करना है, तेल को कच्चा नहीं रहने देना है, मैंने यही है बस, कोई भी झंझट नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल आसानी से जो है बहुत ही स्वादिष्ट अंडा करी हम अपने घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो वीडियो में लगातार बने रहें। और अभी जो तेल है धीरे धीरे गर्म हो रहा है, मैन इसका जो तेल है ये इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है, और आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल विधि है, पर तेल का आपको ध्यान रखना है, तेल अच्छे से गर्म करना है। देखिए तेल को अब हम चेक करेंगे जीरा डालकर कि तेल गर्म हुआ या नहीं। तो जीरा जो है वो धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब जो ये तेल है बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये देखिए जीरे को बिल्कुल अच्छे से जो है ब्राउन करना है। ये देखिए जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, अब हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। सबसे पहले अंडे को फ्राई करना है। ये देखिए अंडे डाल दिए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है अंडे को हमें फ्राई करना है, और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें। ये देखिए अंडे जो है धीरे धीरे ब्राउन हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है अंडे को। अंडे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें तेल कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे एक एक करकर। ये देखिए अंडों को फ्राई करने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे सभी अंडों को। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सभी अंडों को बाहर निकाल लिया है, और अब इसी कढ़ाई के इस तेल के अंदर हम डालने वाले हैं प्याज। ये देखिए प्याज डाल दिए हैं, और अब डालेंगे हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची भी हमने डाल दी है, इनको जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है, ब्राउन होने तक बिल्कुल अच्छे से पकाना है इन्हें। हरी मिर्ची और प्याज बिल्कुल पक चुके हैं, अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे, और हल्दी को जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि सब्जी का मैन जो है हल्दी को बिल्कुल अच्छे से पकाना है। हल्दी अच्छे से पक जाएगी तो सब्जी ऑटोमेटिक जो है स्वादिष्ट बन जाएगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, हल्दी को बिल्कुल अच्छे से पकाएं। ये देखिए हल्दी पक चुकी है, अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और जो लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे। ये देखिए, और इन सभी को जो है अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है, और अब जो है थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जो मसाला है वो जले नहीं तेल के अंदर, गर्म तेल के अंदर मसाला कभी जल जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है हमने ताकि ये मसाला नहीं जले।
ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से चम्मच को लगातार चलाते रहें, मसाले को पकाना है अच्छे से। ये देखिए, और गैस को हमेशा मीडियम फ्लेम पर रखें, ज़्यादा ना रखें गैस को, नहीं तो जो मसाला है वो जल सकता है और जो सब्जी का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए इस बात का आप मेन ज़्यादा ध्यान रखें। और वीडियो में लगातार बने रहें, बहुत ही लाजवाब जो है मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ, और मैं आपके लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको बिल्कुल ऐसी ही जो है झटपट तरीके से सब्जी बनाने की विधि बताता रहूँगा, बिल्कुल आसान विधि बताता हूँ, इसमें आपको बिल्कुल बिना झंझट के आसानी से अपने घर पर सब्जी आसानी से बना सकते हो आप। ये देखिए, मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, लगभग मसाला तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, मसाला बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं अंडे। ये देखिए, अंडे डाल दिए हमने, फ्राई किए हुए अंडे, और अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर। इस रेसिपी को बनाने में लगभग आपको 8 से 10 मिनट लगते हैं, बहुत ही आसान विधि है, झटपट तरीके से जो है अंडे आप अपने घर पर अंडा करी रेसिपी बना सकते हो और भारी खर्चे से बच सकते हो, बिल्कुल आसानी से जो है कम से कम खर्चे में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी तैयार कर सकते हो घर पर। और अब इसको अंडों को जो है 2 से 3 मिनट तक पकाना है हमें, इतने में जो है सब्जी तैयार हो जाएगी हमारी अंडे की। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालना है, ये देखिए थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि जो अंडे हैं ये सब्जी हमारी जो नीचे चिपके नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है, उसके बाद जो है अंडे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जो है अंडे की सब्जी धीरे धीरे तैयार हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। वैसे तो लगभग अंडे की सब्जी तैयार है, पर हम इसे थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंडे की सब्जी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अंडा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और हफ्ते में 1-2 बार जरूर खाना चाहिए अंडे का सब्जी, और सर्दियों में तो खास कर 2-3 दिन से ही बना लेना चाहिए, ताकि जो कैल्शियम है उसकी पूर्ति होती रहे शरीर के अंदर। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं, सब्जी बिल्कुल तैयार है जैसा कि आप ये देखिए, बिल्कुल अच्छी खुशबू आने लगी है, और बहुत ही अच्छी इसकी जो है ग्रेवी है, तरी है, वो बनकर तैयार है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं, ये हमने गैस को बंद कर दिया है, और सब्जी को जो है अलग बर्तन के अंदर अब निकालेंगे। ये देखिए, गैस को थोड़ा सा जो है इसको ठंडा होने देना है हमें, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे अलग बर्तन के अंदर। ये देखिए दोस्तों, हमने अंडे की सब्जी को जो है अलग बर्तन के अंदर निकाल लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी स्वादिष्ट बन जाए। तो अब हमारी जो अंडा करी रेसिपी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनी है, आप भी अपने घर पर ऐसी ही रेसिपी बिल्कुल आसानी से जो है बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कि उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी ज़रूर देंगे। अंडे की रेसिपी बनाने का बहुत ही लाजवाब और अनोखा तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।